वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने एक सेकंड हार्ड ड्राइव कैडी जो है वो ऑर्डर की है, ठीक है। तो बेसिकली ये यूज़ होती है किसी भी एसएसडी या एचडीडी ड्राइव को अपने लैपटॉप में एज अ सेकेंडरी ड्राइव जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज जैसे मेरे लैपटॉप में यहाँ पर एक डीवीडी जो है ड्राइव उसकी पोर्ट है, ठीक है, और इस डीवीडी का जो है वो मैं यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। और मैंने इस लैपटॉप में अभी कुछ देर पहले एसएसडी हार्ड ड्राइव जो है वो इंस्टॉल की है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, वो शो करवा देता हूँ। एसएसडी हार्ड ड्राइव जो है वो बेसिकली फास्ट परफॉर्म करती है और आप इस पर हैवी सॉफ्टवेयर्स वगैरह इजीली रन कर सकते हैं, और अगर आपने कोई डाटा कॉपी पेस्ट करना है वो भी जल्दी से फौरन से हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने फर्स्ट ड्राइव जो है उसको एज अ एसएसडी यूज़ किया है, ठीक है, एसएसडी। और ये एक हार्ड ड्राइव है 500 GB की जो पहले इस लैपटॉप में मेरे पास लगी हुई थी, उससे इस ड्राइव से मैंने एसएसडी को रिप्लेस किया है। लेकिन इस ड्राइव में भी मेरा डाटा मौजूद है तो मैं चाह रहा हूँ ये भी मेरे यूज़ में आ जाए, ठीक है। तो डीवीडी रोम की जगह मैं इसको लगाने के लिए ये सेकंड एचडीडी कैडी जो है वो मैंने परचेज़ की है, ठीक है। अभी जैसा कि इस लैपटॉप में मैं आपको इसकी हार्ड ड्राइव जो है वो शो करवा देता हूँ। इस टाइम इसकी जो ड्राइव है वो आप देख सकते हैं कि मज़ीद इसकी स्पेसिफिकेशन में आपको प्रॉपर्टीज़ भी चेक करवा देता हूँ। 142 GB जो है वो यूज़ स्पेस शो हो रही है और 96 GB फ्री स्पेस, और इस हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी जो है वो आप देख सकते हैं कि 238 शो हो रही है, इट्स मीन ये 250 GB की हार्ड ड्राइव है, ठीक है। तो इसमें मैंने कोई पार्टीशन नहीं की और विंडोज़ मेरी इसी ड्राइव में है, ठीक है। तो मैंने मज़ीद डाटा वगैरह स्टोर करने के लिए इस डीवीडी की जगह एक और हार्ड ड्राइव को प्लेस करना है। तो आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे प्लेस करना है। सबसे पहले सिस्टम को हम लोग शट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इस डीवीडी रोम को, ये जो डीवीडी रोम है इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। देखें डीवीडी रोम को मैंने बाहर निकाल ली है। ये बेसिकली 12.7 mm जो है वो इसकी मोटाई है, ठीक है। तो मैंने ये जो कैडी ऑर्डर की है ये भी 12.7 mm की है, ठीक है। इसको हम लोग ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ जो है वो मिलती है। ये जी हमें कुछ स्क्रूज़ हैं हमारे पास जो हमें इसके साथ आए हैं, एक स्क्रू ड्राइवर हमें इसके साथ मिला है, और ये आप देख सकते हैं इसका इंस्टॉलेशन मेथड वगैरह जो है वो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। सीरियल आटा के नाम से है और इंस्टॉलेशन मेथड ये लिखा हुआ है कि जस्ट कैडी को सिंपल नीचे रखें, उसके अंदर हार्ड ड्राइव को ऐसे इंस्टॉल करें, जैक को जैक के अंदर लगाएं, बाकी ये सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह इस पर मौजूद हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि इसको गिराना नहीं है और इसके अलावा डैमेज होने से बचाना है, और पानी वगैरह की क्वेश्चन लिखी हुई है, इस टाइप की जो है डिफरेंट चीज़ें इसमें लिखी हैं, ठीक है। ये देखें, ये इसमें फीमेल जैक है एक, और इसमें हम लोग अपनी हार्ड ड्राइव को प्लेस कर देते हैं। ये जो हमें हार्ड ड्राइव हमने दूसरे सिस्टम में से 500 GB की निकाली है इसको हम लोग इसमें प्लेस करते हैं। ये देखें सिंपली आपने, जैसा कि आप देख सकते हैं इस जैक के अंदर हार्ड ड्राइव का जो है वो जैक है, इसको मैं सिंपली इसमें प्लेस कर रहा हूँ इस तरीके से, स्लाइड किया ऊपर की जानिब, और इसके नीचे ऑप्शन बनी हुई है इसको स्क्रू लगाने की। अब हम यहाँ पर इसके स्क्रू लगाते हैं। स्क्रू कौन से लगाने हैं जो हमें इसके साथ मिले हैं, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर भी हमें साथ मिला है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू लगा देते हैं।
साइड पर भी स्क्रीन लगा सकते हैं। स्क्रू लगाने का बेसिकली मकसद ये है कि हार्ड ड्राइव जो है वो आपकी गिरने से बच जाती है, ठीक है। वो इसके अंदर फ्री जो है स्पेस उसमें से निकलेगी नहीं। नहीं जी, ये प्रोसेस भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आप देख रहे हैं जैसे कि ये दो पॉइंट्स इसके बने हुए हैं। अब सेम इसी तरीके से जैसे मैंने उस ड्राइव को निकाला था इसमें से, वैसे ही मैं इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। सिंपली ये लैपटॉप था और इसको आपने, लैपटॉप उल्टा है तो इसको भी आपने उल्टा कर देना, यानी कि हार्ड ड्राइव जो है वो आपकी नीचे वाली साइड पर आए। जैसे उसको निकाला था सेम वैसे ही इस ड्राइव को हमने इंसर्ट कर देना है इसमें। नहीं जी, ये ड्राइव जो है वो आपकी इंसर्ट हो गई है। अब आपकी ये जो स्पेस खाली है इस पे आपने यही वाला क्लिप जो है वो उतार के लगा देना। मेरी क्लिप को मैंने उतार ली है, मैं जस्ट इसको क्लिप को यहाँ पर वापस लगा देता हूँ। ये देखिए हमारा ये क्लिप लग चुका है ताकि ये बुरी भी ना लगे, ठीक है। अब लैपटॉप को ऑन करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये शो हो गया हमारे पास। गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को फौरन से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली मजीद ऐसी वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू। लैपटॉप हमारा ऑन हो गया। देख सकते हैं ये नई ड्राइव जो है वो हमारे पास शो हुई हैं, जो कि दूसरी हार्ड डिस्क में से हमें मिली हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हैं कि ये ड्राइव हमारे पास पहले मौजूद थी जिसमें हमारी विंडोज़ है, ठीक है। उसके अलावा ये जो 1, 2, 3 और ये 4 जो ये हमें दूसरी हार्ड डिस्क में से मिली हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।